यस गाइस, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट टाइम हम लोग ने टाइप 1 के सम्स देखे थे, आज हम लोग टाइप 2 के सम्स स्टार्ट करेंगे। चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x² + 8। हाँ, सबको पता है कि कैसे, हाँ बेसिक नॉलेज सबको पता चल चुका है, ये टाइप के सम्स सबको आ चुका है अभी कि ऐसे टाइप के सम्स कैसे करना है, ये बेसिक नॉलेज सबको आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको स्क्वायर के टर्म्स में, इसको भी स्क्वायर के टर्म्स में, ये तो बेसिक है, एकदम बेसिक सम्स है ये। तो 1 अपॉन रूट ऑफ रूट 3x द होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 8 द होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 3x, बराबर ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 3x प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 3x, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं प्लस अंडर रूट ऑफ 3x² + 8, अंडर रूट ऑफ 3x² + 8 खत्म। नहीं सर, 1/√3 से डिवाइड, क्योंकि x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही है। रीजन, सिंस इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a² + c। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√3x² + 8 dx इज नथिंग बट 1/√3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 3x² + 8 + c। नाउ सेम दूसरा वाला ट्राई करो, दैट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√11 - 4x² dx, ये खुद से ट्राई करो पॉज करके। चलो डन, वेरीफाई करते हैं। सिंपल सिंपल है यार, एकदम अंडर रूट ऑफ इसको चाहिए तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं ऐसे। सो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 11² - 2x² dx। अरे हाँ यार, ना स्क्वायर के टर्म्स में रिप्लेस करना है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय दैट इज 2x/√11 बट इनटू 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1/2 प्लस सी ऑफ एसेंस। देखो मैं जिधर रीजन नहीं दे रहा उधर भी देना ही है तुमको रीजन, ठीक है। अब आगे आगे मैं रीजन शायद नहीं दूंगा, जो बेसिक बेसिक सम्स है उसमें दे रहा हूं, बाद में नहीं दूंगा। फाइनल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे रीजन देना है, तो वो खुद से तुम लोग कर सकते हो। 1/√a² - x² dx इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√11 - 4x² dx इज नथिंग बट 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x/√11 + c। खत्म, क्लियर है। चलो कुछ से ट्राई फटाफट देख लो एक बार। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद में
लेट आई इज इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स कुछ ट्राई इजी है बेसिक है कुछ ट्राई कर सकते तुम लोग नथिंग बट इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ रूट टू एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस डी एक्स इसका क्या हो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सी इन टू एक्स का कोएफिशिएंट इज रूट टू यहाँ पे रीजन सिंस इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी सो देयरफॉर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन रूट टू लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सी चलो ट्राई करो कुछ से चलो आगे बढ़ते बेसिक बेसिक अभी खुद से ट्राई कर सकते तुम खुद से उड़ा सकते हैं इतना बेसिक चलो लेवल बढ़ाते हैं अभी वापस एट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन डी एक्स बेसिक सेम वही जो किया है पहले वही करना है एक्स को अकेला बीच वाले को डिवाइड बाय टू उसको स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट वही करना है वही करना है खुद से चलो हो गया चलो वेरीफाई करके देखो क्या करोगे कुछ तो कॉमन आएगा ठीक है तो कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं मैं रूट थ्री को मेरे को बाहर लेना ही पड़ेगा बेसिक और कुछ ऑप्शन ही नहीं अंदर का बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंदर फाइव बाय थ्री एक्स प्लस सेवन बाय थ्री ठीक है डी एक्स बरोबर अब क्या करूंगा मैं फाइव बाय थ्री को डिवाइड बाय टू फाइव बाय थ्री इंटू वन बाय टू हो जाएगा फाइव बाय सिक्स इसका स्क्वायर से प्लस और माइनस ठीक है तो वन बाय रूट थ्री बाहर ले सकते हो तुम लोग डायरेक्टली नहीं भी लिया तो भी चलेगा कोई इशू नहीं वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय थ्री एक्स प्लस फाइव बाय थ्री फाइव बाय सिक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 बाय थ्री माइनस ऑफ अरे प्लस कर रहे हो तो माइनस भी करोगे तो साथ में कर दो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं माइनस ऑफ 25 बाय 36 प्लस 21 बाय थ्री अरे यार 7 बाय थ्री सॉरी डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाय थ्री एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स द होल स्क्वायर यहां पे अब डायरेक्ट होगा नहीं तो क्या करूंगा मैं 36 बनाना है किससे करोगे तो 36 बनेगा 12 से करोगे तो 36 बनेगा ना भाई 12 सेवन सा 84 अपॉन 36 डी एक्स रूट भूलना नहीं है रूट सबको देना है छपरे के नीचे रखना है सबको बराबर 84 माइनस 25 कितना होगा देख लो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ इसको क्या मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बीस क्या है 5 बाय 6 द होल स्क्वायर प्लस 84 माइनस 25
आई थिंक 49 आएगा बाय 36। जरूरी नहीं है कि रूट में ही आएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, बट देख लो 7 7 1 14 59 आएगा, 49 नहीं आएगा। इसके लिए बोल रहा है चेक कर लो, 84 माइनस 21 7 1 9 59। यस, तो हम लोग ने सब बराबर किया, 7 × 12 = 7 सब बराबर ही है। चलो बराबर है, तो इसको क्या मैं लिखू, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x + 5/6 द होल स्क्वायर प्लस √59/6 द होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट डायरेक्टली आ तो गया 1/√3 इंटू log ऑफ मोड ऑफ x का कोएफिशिएंट इज 1 ओनली, कुछ होने नहीं वाला, x के जगह पे ये तो x + 5/6 प्लस √ ये पूरा टर्म है क्या एक्चुअली में, ये पूरा टर्म ये है ना, तो क्या मैं लिखू इसको, x² + 5/3 x + 7/3 + 6 बराबर, ये अपना फाइनल आंसर। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√3x² + 5x + 7 dx इज नथिंग बट 1/√3 log ऑफ मोड ऑफ x + 5/6 प्लस √x² + 5/3x + 7/3। चलो कॉपी करो फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो डन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट सेम थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√ x² + 8x - 20। कभी कभी डायरेक्ट स्क्वायर पूरा रूट भी ले सकते हैं, तो ध्यान देना है। अब यहाँ पे x² अकेला है, तो बाहर तो कुछ आने नहीं है, डायरेक्ट 4 इसको डिवाइड बाय 2 करके उसका स्क्वायर एड और सबट्रैक्ट करो। चलो करो कुछ फटाफट। डन, चलो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x² + 8x 8/2 4 का स्क्वायर 16 से प्लस और 16 से माइनस dx, मैंने क्या बोला, हमेशा इसके साथ में प्लस वाला जाएगा, तो क्या मिलेगा x² + 8x + 4² - 36 dx, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √ क्या मैं इसको लिखू x + 4² - 6² dx। अरे हाँ याना, आपका सिंपल है बेसिक, फॉर आई इज इक्वल टू मिलेगा log ऑफ मोड ऑफ x के जगह पे x + 4
उसका कोएफिशिएंट तो 1 है तो डिवाइड करके कुछ मतलब ही नहीं है, प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म है क्या एक्चुअली में, यही ना एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 प्लस सी, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 dx इज नथिंग बट लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 प्लस सी। क्लियर है? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो डन, आगे बढ़ते। ओके नेक्स्ट, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर dx। बेसिक सेम फॉलो करना है, बेसिक्स फॉलो करते जाओ आते जाएगा ये। उससे ट्राई चलो, सबसे बेसिक स्टेप पहले तो 2x स्क्वायर को आगे ले लें, माइनस में होगा तो उधर ही रखना, फिर वो अलग हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम, लेकिन अभी प्लस में तो 2x स्क्वायर आगे माइनस 3x प्लस 8 सबसे पीछे प्लस 8 dx कॉमन रूट 2, तो रूट 2 कॉमन अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2 नहीं होगा, इधर 3 बाय 2 ही होगा। अरे यार आता है ये सब, चलो 8 बाय 2 इज 4 dx 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x प्लस 4 dx। चलो इसके बाद वाला करो जिसको इधर तक नहीं है, उन लोग 3 बाय 2 को डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 बाय 4, 3 बाय 4 का स्क्वायर 9 बाय 16, तो 9 बाय 16 से प्लस और माइनस। चलो करो फटाफट करो इसके आगे का है। चलो आगे बढ़ते, 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 बाय 2 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 9 बाय 16 से प्लस, तो 9 बाय 16 से माइनस भी करना पड़ेगा डी एक्स, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 2 ऐसे का ऐसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 एक्स प्लस क्या मैं इसको लिखू 3 बाय 4 द होल स्क्वायर माइनस 16 को मेरे को कॉमन करना है, तो 9 प्लस 16 4 जा आई थिंक 64, ठीक है, अपॉन 16 अपॉन 16 डी एक्स, 64 माइनस 9 इज 55 आई थिंक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस है बीच में तो माइनस 3 बाय 4 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 64 माइनस 9 इज 55 बाय 16 dx, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3 बाय 4 द होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 55 अपॉन 4 द होल स्क्वायर dx। अब क्या, अब आगे का सिंपल है, सीधा फॉर्मूला में डालना है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 बाय रूट 2, तो ऐसे ही रहेगा 1 बाय रूट 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 बाय 4 प्लस
सर क्या मैं इसको इसको ही लिख सकता हूँ अंदर, लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ही उठा के लिख सकते हो, पर अपने को पता है ये इसका रिडक्शन है, बराबर ना भाई, ये इसका रिडक्शन है तो मैं यही लिख लेता हूँ, तो प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4 प्लस सी, ये थोड़ा ज्यादा बेटर दिखाएगा, ये दिखाएगा तो पता है क्या कर रहे हो तुम, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर dx इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3/4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4 प्लस सी, इज डन, कॉपी खुद से ट्राई, चलो डन, ओके आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहां पे ना बोलता हूं पहले ये आलू देखो, लेट आइज इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इंटू डी एक्स, सॉरी अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई मेन से या सीईटी में जनरली लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं पूछते, आधे जन खुश है आप, अरे सही है सर करना ही नहीं, डेफिनेट से पूछते, डेफिनेट से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें ये सब का रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब इंडेफिनिट का नॉलेज चाहिए रहेगा, पहला चीज है, इंडेफिनिट से भी आ सकता है, आएगा ही नहीं ऐसा नहीं है, इनडेफिनिट से भी आ सकता है, बट है ना बच्चे लोग थोड़े ना यहाँ पे फिर ज्यादा दिमाग यूज करते हैं कि उन लोग क्या करते हैं, चार ऑप्शन को डेरिवेट करते हैं, चार ऑप्शन को डेरिवेट करके क्वेश्चन लाते हैं, जो ऑप्शन में डेरिवेट करके क्वेश्चन परफेक्टली मिल गया उनको वो राइट आंसर है और ये परफेक्ट लॉजिक है, बट उन लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, अगर उन लोग दे रहे इनडेफिनिट का तो उन लोग तुम लोग को अलग फॉर्म में देखेंगे, अलग फॉर्म में देंगे जिससे तुम लोग का डेरिवेट करने के बाद मिलेगा नहीं वो क्वेश्चन जो है वो, तो यहाँ पे लॉजिक है कैच है यहाँ पे, बट इम्पोर्टेंट बहुत है ये आना ही चाहिए, ये नहीं आएगा तो तुम्हारा बहुत मार्क्स एंट्रेंस में लूज होने वाला है, इतना समझ के चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुम्हारा भू नहीं चैप्टर, ये चैप्टर ही है जो है वो आगे, चलो देखते आगे फिर, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बनपन, अभी सबको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 dx, अरे आया ना बेसिक आता है ना सबको, से मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिलेगा तुमको क्या, खुद से ट्राई इसके आगे का पहले, फिर आगे मैं करूंगा, उसे ट्राई करो पहले, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे और स्क्वायर करोगे तो माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/4 ऐड कर रहे हो तो 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करोगे, dx इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 प्लस 1 25 बाय 4 dx इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5/2 द होल स्क्वायर dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का टर्म आ गया ये तो फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का टर्म आ गया ये तो फिर
तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो टर्म आया है उससे कैसे करोगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू नथिंग बट वन अपॉन, कुछ नहीं है कोएफिशिएंट ही नहीं है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ, ये रिड्यूस किससे हुआ है भाई, इससे सर ये लिखे कि ये लिखे, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन ये तो ये लिखोगे तो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट आएगा तुम्हारा बेसिकली, और अगर कंफर्मेशन नहीं है कि यही है तो नहीं लिखना, कंफर्मेशन है यही से रिड्यूस हुआ तो ही लिखना, नहीं तो ये लिख लो चुपचाप सेफ साइड के लिए, रॉन्ग मत करके आओ यहां पे बस। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू है सॉरी डी एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू बस सी खत्म। अरे बच्चों वाला काम कर रहे हैं हम लोग, बेसिक वेपन साइड की आर्सेनल में वही यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये अरे चलो फटाफट चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा और लेवल चेंज करके बढ़ाते, मजा आ रहा है ना, आना ही चाहिए मजा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स डी एक्स से ट्राई पहले फिर हम बताएंगे, और दो मेथड है इसके दोनों में बताऊंगा। दूसरा मेथड थोड़ा लेबर से कर, एक ही मेथड से कर, पहले कुछ से ट्राई आधे इनको तो समझ गया फॉर्म देख के, और जिनको नहीं समझा उन लोग गधे लोग हैं, फॉर्म देख के समझना चाहिए। चलो क्या दिया है, रूट में प्लस एक्स रूट में माइनस एक्स, ठीक है रूट में प्लस एक्स रूट में माइनस एक्स क्लियर है। तो अभी क्या पुट करोगे तुम लोग, कॉस टू पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री नहीं नाइन cos 2x cos 2 theta so therefore dx is equal to minus 9 of sin 2 theta into 2 d theta बराबर ना 9 into 2 d theta so therefore I is equal to क्या मिलेगा integration under root of 9 plus 9 cos 2 theta upon 9 minus 9 cos 2 theta into minus 9 sin 2 theta इंटू टू डी डीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू डीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू डीटा नाइन कैंसल हो जाएगा माइनस 18 साइन टू डीटा डी डीटा बराबर क्या मिलेगा अपने को इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू कॉस स्क्वायर डीटा बाई टू दैट इज टू कॉस स्क्वायर डीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर डीटा टू टू कैंसल अगेन इंटू माइनस 18 साइन टू डीटा डी डीटा। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तुमको क्या मिलेगा आई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू माइनस 18 इंटू टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी डीटा भाई साइन थीटा कैंसल क्या मैं माइनस 18 इंटू टू बार ले लू दैट इज माइनस 36 बार अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर डीटा डी डीटा क्लियर है कॉस स्क्वायर डीटा सॉरी डी डीटा ना कॉस स्क्वायर को ऐसे लिखोगे वन प्लस कॉस टू डीटा भाई टू इससे इसमें आए अभी इससे वापस इसमें जा रहे हैं
तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 36 इंटीग्रेशन 1 बाय 2 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा बरोबर। तो ये मिलेगा अपने को माइनस 18 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। देयरफॉर बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट, ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा फिर, अरे थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, थीटा विल बी 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 18 इंटू 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 प्लस साइन 1 बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मैं लिख देता हूं, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 ठीक है, बस ये इधर खत्म कर सकते हो या फिर यस री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ये आई का लिखा मैंने माइनस 81 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 प्लस 1 बाय 2 साइन, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा था इसके लिए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9, तो ये तुम लोगों को मिलेगा, मैंने 2 अंदर 18 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 9 कॉमन आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, सबको समझ रहे हैं ठीक है, सो ये खत्म हुआ ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते नाउ, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, यहां मैं क्या करता हूं, मैं इसको अगर मेरे को बाहर लेना है यहां पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली समझा क्या किया मैंने, मैंने रैशनलाइज किया समझ लो, अब मैं इसको 2 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूं, एक ऐसा और एक अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं बेसिकली, ये समझाएगा सबको, देखो कैसे आए, नथिंग बट इंटीग्रेशन डिफरेंट मेथड, मैंने बोला था ना और एक मेथड है इसका, नहीं बोला तो अभी बोल रहा हूं 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, मैं ऊपर वाले को रूट से निकालना है तो मैं नीचे वाले को रैशनलाइज करूं ठीक है, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स तो रूट कैंसिल, नीचे क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं इसको बांट दूंगा तो मिलेगा 2 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर नाउ प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स ओके, ना यहां पे ठीक है, लेट आई वन ये वाला तो सिंपल है मैं उसको लेता हूं, लेट आई वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट इसको पुट कर रहे हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर में पुट कर दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, देयरफॉर माइनस 2 एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर मेरे पास क्या है एक्स डी एक्स है इज नथिंग बट माइनस डी टी बाई टू। सो मेरे को क्या मिलेगा, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स के जगह पे क्या माइनस डी टी बाई टू इंटू रूट ऑफ इधर टी, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो वन माइनस वन बाय टू बार, ऊपर जाएगा टी रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी वन, तो ये क्या मिलेगा मेरे को माइनस वन बाय टू इंटू रूट ऑफ टी बराबर अपॉन वन बाय टू प्लस सी वन। अरे आया ना वन बाय टू मिलेगा रे, कैंसल कीजिए अपॉन वन बाय टू है, तो मेरे को क्या मिला आई वन क्या मिला इज नथिंग बट माइनस रूट टी प्लस सी वन। Therefore, by resubstituting value of t, we get क्या मिलेगा मेरे को I1 is nothing but minus t के जगह पे क्या 4 minus x square, तो 4 minus x square plus c. So therefore, integration x upon 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, हाँ 1 by 2 लिया बराबर बराबर, integration x upon root of 4 minus x square dx is nothing but minus 4 minus x square plus c1. So therefore I is equals to क्या मिलेगा integration 2 bar 1 upon root of 4 minus x square dx minus root of 4 minus x square plus c1, ठीक है इसको integrate करोगे तो क्या मिलेगा I is equals to 2 into sine inverse of x by 2 minus under root 4 minus x square plus c1 plus c2. So therefore I is equal to क्या मिलेगा 2 sine inverse of x by 2 minus under root of 4 minus x square plus c, where c is nothing but c1 plus c2. So therefore integration root of 2 plus x upon 2 minus x dx is nothing but 2 sine inverse of x by 2 minus under root of 4 minus x square plus c. तो तुम लोग ने देखा है कि एक ही सम को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा बट वो राइट आंसर रहेगा। तो तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग जो पहले वाला सम था वो भी ये मेथड से कर सकते हैं, ठीक है तो फिर तुम लोग का आंसर जो आएगा वो रूट ऑफ क्या आएगा कितना था अपना 9 था ना, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, हाँ 81 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 नहीं 9 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9, क्लियर है ऐसा मिलेगा फिर तुम लोगों को 9 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 माइनस 81 रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सेम चीज है ठीक है। चलो कॉपी करो ये वाला मेथड ज्यादा सिंपल है पहले वाला जो भी लग रहा हो इससे करना है तो हम लोग नेक्स्ट सम भी इससे करें। नीचे का नहीं दिख रहा चलो डन स्क्रीनशॉट ले लो ओके नेक्स्ट सेम टाइप का सम है सेम लॉजिक वगैरह सब कुछ सेम है। डायरेक्ट आंसर दे दूंगा या कुछ से ट्राई करो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा 10 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ से आ ही जाना चाहिए क्लियर है, ये कुछ से ही ट्राई करना है तुमको और ऑप्शन ही नहीं अपने पास कुछ। चलो करो फटाफट पॉज करके ट्राई करो फटाफट खुद से आ ही जाएगा ये मैं कराऊंगा ही। चलो नेक्स्ट
लेता है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स डीएक्स कुछ चेट रहा है चलो देखते हैं। नाउ यहां पे अगर कुछ नहीं होता ऊपर तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना फिर सिंपल था बट है ऊपर इसके लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा मैं यहां पे इंटीग्रेशन पहले तो मेरे को ये सब को एक ही एंगल्स में लाना पड़ेगा तो ये साइन थ्री एक्स है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या है कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है वो सबको याद रखने का ट्रिक पता था मेरे को फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा तो उसका उल्टा दो थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स बराबर इज इक्वल्स टू कुछ कॉमन दिख रहा है नीचे से ऑब्वियसली साइन एक्स कॉमन है ऊपर क्या बचेगा थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स ठीक है डीएक्स साइन एक्स कैंसल इंटीग्रेशन वन अपॉन थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स अरे यार ये आप सबको पता है क्या करना है डिवाइड ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से ठीक है थ्री बाय कॉस स्क्वायर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स किसमें लेके जाओगे डेरिवेटिव कौन ऊपर कौन प्रेजेंट है सेक्स स्क्वायर तो टेन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसको टेन में लेके जाओ ये क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या मिलेगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ना थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अब क्या सिंपल है पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी देयरफॉर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी टी अपॉन थ्री माइनस टी स्क्वायर देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट ऑफ थ्री द होल स्क्वायर माइनस टी द होल स्क्वायर अब इसका सबको पता है यार क्या है वन अपॉन टू ए दैट इज टू रूट थ्री इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ कौन हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान क्योंकि माइनस में तो रूट थ्री माइनस टी अपॉन रूट थ्री प्लस टी प्लस सी सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू अब क्या बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी बी गेट क्या मिलेगा मेरे को आई इज नथिंग बट वन अपॉन टू रूट थ्री लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट थ्री प्लस टी के जगह पे टेन एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी सो देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स डी एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन टू रूट थ्री लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट थ्री प्लस टेन एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी खत्म सिंपल 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 क्लियर है सबको कुछ रॉकेट साइंस नहीं है एकदम सिंपल सिंपल चीजें डिस्कशन हो रही है तो यह आनी चाहिए तुमको चलो कुछ से ट्राई चलो डन आगे बढ़ते नाउ दो तीन क्वेश्चन और करेंगे चलो नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस फोर एक्स
अपॉन साइन 3x प्लस साइन 4x dx, कुछ सेट रहा है, कॉस करो कुछ सेट रहा है, कॉस को ऐसे डिवाइड करोगे क्या करोगे सोचो थोड़ा, क्योंकि एंगल्स तो डिफरेंट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, चलो कुछ सेट रहा है। देखते ना यहाँ पे एंगल डिफरेंट है पहले तो अब करेगा क्या कर रहा है? मैं एक काम करता हूं, या तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मुलाइज करूं कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी, तो वो यूज करते हैं पहले, टू साइन माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स बाय टू इंटू साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स बाय टू, ठीक है, अपॉन या फिर तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको माइनस हटा के फोर एक्स माइनस थ्री एक्स बाय टू, और यहां पे टू साइन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स बाय टू इंटू कॉस 3x माइनस 4x बाय टू डी एक्स, ये कैंसल, ये पूरा टर्म भी कैंसल, बचेगा क्या साइन ऑफ 4x माइनस 3x एक्स बाय टू अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स बाय टू, कॉस ऑफ माइनस एक्स बाय टू इज नथिंग बट एक्स बाय टू, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, ये क्या मिलेगा टेन ऑफ एक्स बाय टू, टेन का इंटीग्रेशन इज log of mod of sec x plus c, so therefore एक हो जाएगा into इसका coefficient is 1 by 2 divided by 1 by 2, 1 divided by 1 by 2, तो ये हो जाएगा I is equal to 2 log of mod of sec x by 2 plus c, so therefore integration cos 3x minus cos 4x upon साइन 3x प्लस साइन 4x dx इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ मोड ऑफ sec x बाय टू प्लस सी। एक और मेथड है मेरे पास इसका, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ ट्राई कुछ से करना चाहिए। क्या है वो मेथड? 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई, बट नहीं 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 चलेगा, अगर ये दोनों एंगल सेम होते तो चलता, नहीं 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 चलेगा, एक ही मेथड है, सॉरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। चलो कॉपी, चलो डन, ओके। अब एक लास्ट सम आज के लिए, बहुत ही तगड़ा सम है वो, आई थिंक मैंने टेस्ट में भी पूछा था वो सम, इंटीग्रेशन टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स डी एक्स, टेन एक्स टेन टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स मल्टीप्लीकेशन में सब इंटीग्रेशन, पहले तो चेंज रूल में विश्वास ही नहीं रखता है, यू इंटू वी कोई अभी तक पढ़ा है नहीं तो चलेगा नहीं इसके लिए, अब क्या फिर तो अगर एंगल्स पे ध्यान दो तो सब इक्वल नहीं है बट कुछ रिलेशन है, थ्री इज टू प्लस वन, तो मैं सोचता हूं सिंस टेन ऑफ थ्री एक्स इज नथिंग बट टेन ऑफ टू एक्स प्लस एक्स, देयरफॉर टेन ऑफ
3x is nothing but 10 2x plus 10x upon 1 minus 10 2x into 10 3 10x sorry बराबर ना भाई टन टन एक बार टन टन इधर मल्टी डिवाइड और ऐसा आएगा तो मल्टीप्लाई तो 10 3x into 1 minus 10 2x into 10x is nothing but 10 2x plus 10x तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अंदर तो 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज नथिंग बट 10 2x प्लस 10x सो देयरफॉर अगर मैं इसको उठा के इधर ले लूं तो 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इज नथिंग बट इसको उठा के उधर भेजू तो 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x कुछ समझा क्या मतलब क्या मैं बोलू 10x 10 2x 10 3x को मैं लिख सकता हूं 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x सो देयरफॉर बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ 10 3x सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस 10 टू एक्स माइनस 10 एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स इंटू 10 टू एक्स इंटू 10 थ्री एक्स डी एक्स सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स इंटू 10 टू एक्स इंटू 10 थ्री एक्स डी एक्स इज नथिंग बट मैं डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन लिख लू क्या हो जाएगा भाई इधर लॉग ऑफ मोड ऑफ sec 3x आया ना इंटू उसका कोएफिशिएंट 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ sec 2x माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज नथिंग बट 1 लॉग ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस सी अरे खत्म ये तो चाहिए था फाइनल तो ऑब्जर्वेशन का नजरिया बदलोगे तो भी तुम लोग के सम्स में हेल्प होगा शायद से बहुत सिंपल समझता ही है टेस्ट में पूछा था मैंने चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ टाइप टू के भी सम सम लोग ने देखे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे मेरी गारंटी है पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा तुम्हें ठीक है चलो भाई अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टॉप कर हैव अ गुड डे स्क्रीनशॉट ले लो